इतना सक्रियता हो गया उस दिन, कहा था ये पुलिस रैप लेकर आया। देखिए इनका घर में माँ बेटी नहीं है। किस तरह का सेफ्टी हम अपने आप को रख रहे हैं, किस पर हम विश्वास करेंगे? कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, जिस पर लगातार कोई ना कोई अपडेट आ रही है। इस बीच जानकारी मिली है कि आरोपी संजय रॉय की जांच के लिए बीआर सिंह हॉस्पिटल से दो डॉक्टर सीबीआई ऑफिस पहुंचे हैं। सीबीआई की टीम घटनास्थल के ब्लूप्रिंट के लिए हाई एक्यूरेसी 3D लेजर स्कैनर लेकर आरजी कर हॉस्पिटल पहुंची है। आपको बता दें कि आज देश के कोने कोने में कोलकाता रेप मृतका के सपोर्ट में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं कोलकाता में इस प्रदर्शन ने आज व्यापक रूप ले लिया है। हालात ये हो गए हैं कि पुलिस ने सड़कों पर उतरे कुछ डॉक्टरों को हिरासत में भी ले लिया है। जब तक ये चालू रहेगा, हम लोग तो हमारा प्रोग्राम था अनिर्दिष्टकाल का प्रोग्राम था इधर, हम लोग स्टेज बाधा शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए। लेकिन ये पुलिस देखिए इतना सक्रियता हो गया उस दिन, कहा था ये पुलिस रैप लेकर आया। देखिए इनका घर में माँ बेटी नहीं है, इनका देखिए ना, इनका चेहरा देखिए, उनका घर में माँ बेटी नहीं है, उनका घर में माँ बेटी नहीं है। अगर माँ बेटी होता था नहीं आता, भाजपा को नहीं उठाता। ये लोग ऐसा है ना, ये पुलिस मतलब तृणमूल का कैडर वाहिनी बन गया। पुलिस पूरा तृणमूल का कैडर वाहिनी बन गया। तो अभी हुआ क्या ना, ये ठीक नहीं हुआ, जो हुआ जो हो रहा है बंगाल में ठीक नहीं हो रहा है बंगाल में। बातचीत हुई अथॉरिटी के बारे में? जी हमारा तो बातचीत हुआ है, वो बोल रही है कि हम करेंगे, लेकिन हमारा यहाँ सवाल है करेंगे नहीं, ये करेंगे करेंगे बोलने के बावजूद भी वो परसों दिन जो घटना घट गया है, क्योंकि वो जो 9 तारीख का घटना जो घटा था, जो पीजीटी सेकेंड ईयर डॉक्टर के साथ जो घटना घटा रेप विथ मर्डर, वहाँ पर भी तो इतना पुलिस और सिक्योरिटी को भेजने के बावजूद भी क्या हुआ? हम आशा रखते थे कि वो हमारे सेफ्टी करेंगे, लेकिन ये क्या हो गया? लास्ट नाइट जो 14 को हुआ था, नाइट में 15 हो गया वो डेट, उस समय क्या हुआ, ये सिक्योरिटी एंड पुलिस वो क्या किए, अपना सेफ्टी देखे, हमारा सेफ्टी वो नहीं देखे। यहाँ पर नर्स लोग क्या हुए, वो लोग पेशेंट को देखेंगे, अपना जान बचाएंगे, इससे नर्स अपना रास्ता खोजे, लेकिन हम क्या सोचे कि ये पुलिस और सिक्योरिटी जिनको रखा गया है हमारे लिए, वो वैसा नहीं हुआ। तो फिर किस तरह का सेफ्टी हम अपने आप को रख रहे हैं, किस पर हम विश्वास करेंगे? हाँ हम लोग ने सिक्योरिटी मांगा है, हम लोग ने ड्यूटी देने के लिए अभी भी रेडी है, पर हम लोग अगर हम लोगों की सिक्योरिटी नहीं है तो हम लोग कैसे ड्यूटी देंगे? हाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल बोला गया था डेपुटेशन के कोई कुछ सिक्योरिटी आएंगे, पर कल नाइट में मैं ड्यूटी में था, हम लोगों को जो सिक्योरिटी स्टाफ था वो ही हमारा इमरजेंसी का बाहर में खड़ी था। वो लोग कहाँ थे कल? कल जो डेपुटेशन वाला सिक्योरिटी आना वाला था प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, कल नाइट ड्यूटी में वो लोग को हम लोग देखा नहीं, वो लोग कहाँ थे हम लोगों को भी पता नहीं है, वो लोग कहाँ थे। तो मतलब अभी भी आप लोग अपनी सिक्योरिटी को लेकर पक्का एश्योरेंस चाहते हैं? एकदम, अगर सिक्योरिटी नहीं होगा तो कैसे ड्यूटी करेंगे? हम लोग तो फ्रंट लाइन है, हम लोग तो पहले तो हम लोग जाता है पेशेंट के सामने, तो अगर कोई मॉब भी आता है पुलिस तो हमारा पीछे भाग छुप जाता है, अगर पुलिस आके हमारा पीछे छुप जाता है, हम लोग ने सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रहेंगे, पुलिस भी नहीं रहेंगे, तो हम लोग कैसे संभलेंगे? इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।